जिन्होंने सारी जिंदगी नकली नोट छापने का धंधा किया है, असली नोटों को तो कभी देखा ही नहीं। आप जैसे फरिश्ते को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और विक्टर जयराज, जिनके पास अनिल राज जैसा गुंडा था और जो खुद न जाने कितने कत्लेआम, कितने खून करवा चुके हैं, ऐसे जमाने के हमदर्द को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कानून मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। वाह जनाब बी पति साहब, सारी जिंदगी जो ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, गैर कानूनी शराब बनाते रहे, गुंडागर्दी जिनका पेशा रहा, ऐसे भगवान के अवतार को एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। और सीताराम जी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, अपने मुबारक हाथों से जिसने अपने दामाद का घर बर्बाद करके रख दिया, अपनी बेटी का संसार उजाड़ दिया, वो होम मिनिस्टर। और क्यों नहीं, घर उजाड़ने की जिसे पूरी मालूमात हो, उससे अच्छा गृह मंत्री कौन हो सकता है। और अमरनाथ, जब पुलिस की बाइज्जत नौकरी छोड़कर फर्ज और इंसाफ को भुलाकर सियासत के मैदान में कूद पड़ा, वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। खुद के घर को तो सुखी रख नहीं सका, राष्ट्र को सुखी बनाने निकला है। वाह शंकर नारायण जी, बहुत अच्छे, आपके दिमाग की तो वाकई दाद देनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों की सरपरस्ती में यह देश बहुत जल्द उन्नति करेगा। अवनत क्या है कि इन लोगों ने हमारे गरीबों की पार्टी के लिए लाखों रुपए चंदा दिया है। अब इलेक्शन जीतने के बाद हम अगर इनको मौका नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम इनकी नजरों में गिर जाएंगे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शंकर नारायण जी, हमें बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। देश भले गिर जाए, राष्ट्र की गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद ये लोग जितनी जल्दी अपना लगाया हुआ माल सूद समेत वसूल कर लेंगे, उतनी ही जल्दी इस देश से गरीबी हट जाएगी, फकीरी बढ़ जाएगी। रोटी तो एक तरफ, गरीबों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलने वाला। हे अमरनाथ बाबू, तुम हम लोग को तारीफ करते हो या गाली देते हैं? कान खोलकर सुन लो, अगर गाली देता है तो अपन तुम्हारा चलन कर डालेगा। मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? नहीं मिस्टर भूपति, मैं आप सब लोगों को ये सब करने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको और आपके तमाम साथियों को देश के साथ की गई बेशुमार वफादारियों का इनाम दूंगा। और वो इनाम है ये। ये क्या? ये वही है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है शंकर नारायण। मगर इसे यहां क्यों लाए हो? अब अपने पिता से हमें रहा है डराने के लिए? तू तो मेरे बेटे जैसे हो ना। चुप बुड्ढे मगरमच्छ, यह आंसू का नाटक बहुत पुराना हो चुका है, बंद करो इसे। हाँ उमर बेटा, मेरी तो सुन, मैं तेरा ससुर हूँ। ससुर? आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि सियासत की दुनिया में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, यहां तक इंसान खुद अपना नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी का होता, यही सिखाया था ना आपने? गवर्नर, अगर तुम में से किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे टुकड़ों को सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ा देगा। बजा। हाँ तो ससुर जी, तुम्हें और शंकर नारायण को तो मैं उसी दिन खत्म कर देना चाहता था जिस दिन तुम दोनों ने मुझे अपने साथ मिलने की धमकी दी थी, 4 घंटे की मोहलत दी थी, याद है? वो 4 घंटे मेरी जिंदगी में 4 सदियों की तरह गुजरे। हाँ शंकर नारायण, मैं तो उसी दिन तुम दोनों को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ तुम दोनों को मार के इस धरती से जुर्म और पाप खत्म नहीं होगा। अगर खत्म करना ही है तो पाप के उस पूरे पेड़ को जड़ समेत इस जमीन से उखाड़ कर फेंकना होगा। और आज वो जुर्म का पेड़ जड़ टहनियों और पत्तों समेत मेरे सामने मौजूद है, और इस पेड़ की होली मैं आज जला के रहूंगा। नहीं अमर, नहीं प्लीज। अरे अमर भाई, अरे भाई, अपना मंत्री नहीं बनेगा भाई।
अरे अपने को कुछ नहीं मिलने का, अपने को कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए भैया। हाँ मुझे भी नहीं चाहिए। नहीं किसी को कुछ नहीं चाहिए, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब सब है। सब तुम्हारे साथ है, जो मन में ऐसे करो करो प्लीज। अच्छा अपनी जिंदगी पर मौत की परछाई पड़ने लगी तो शतरंज की चाल भूल कर मेरी चाल चलने पर तैयार हो गए। अब पता चला जिंदगी कितनी प्यारी होती है। अलीन राज के जरिए तो तुमने लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उस वक्त तुमने कभी यह सोचा कि सियासत की बेदी पर जिन गरीब बेगुनाहों की बलि तुम चढ़ा रहे हो उन्हें भी उनकी जान प्यारी है? उस समय तुम्हें कभी किसी पर रहम आया, किसी से हमदर्दी जताई? अमर ये तो सोचो कि हमें मारकर तुम खुद भी नहीं जी सकोगे, हमें मारकर तुम खुद भी फांसी के तहत चढ़ जाओगे। शंकर नारायण, मैंने तो कफन की तैयारी उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैंने पुलिस की वर्दी उतार कर राजनीति का छोड़ा पहन लिया था। के इस ढेर को देखकर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो आशा? तुम्हारा पति यहां मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के लिए नहीं आया बल्कि अपने मां से किए हुए वादे को पूरा करने आया था।